भाई साहब फाइनली 1000 किलोमीटर की जर्नी हमारी लगभग 30-32 घंटों के बाद ख़त्म हो रही है और मैं पहुंच गया हूं गोरखपुर जाने के और सिटी में जाने के रास्ते और एक इधर नेपाल जाने के रास्ते के सर्कल पे। अब मैं रात को 9 बजा है, क्या जुगाड़ होगा मुझे भी नहीं पता, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सुनील भाई को हम इजाज़त देते हैं, इनका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी खातिरदारी की और हमको इधर आसानी से इधर लेके आए, आपका बहुत आभार है। बहुत ही अच्छे इंसान है, मज़ा आ गया इनके साथ यात्रा करके। 2 दिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं घूम रहा हूँ या जा रहा हूँ, बस घर जैसा ही फील हो रहा था और रात को मैं इधर भी सो गया था। तो अब मैं नीचे उतरता हूँ, इनको आगे जाने की इजाज़त देते हैं। थैंक यू एक बार फिर से आपका, थैंक यू भाई साहब। ये 2 दिन हमारा ये ट्रक घर था और मज़ा आ गई इनके साथ यात्रा करके। अब निकल गए वो सुनील भाई और हम कुछ जुगाड़ करते हैं जाने का यहाँ से। और गाय आई सबसे पहले मुलाकात इससे हो रही है, चलते हैं उसके पास भाई साहब के पास और कुछ बैठाते हैं। लो भाई साहब, हम जैसे इस ब्रिज के नीचे उतरे, ये यहाँ पे छोटी दुकान है, तो ये भाई साहब है यहाँ पे। आपका नाम सर क्या है? अभिषेक भाई चौधरी। और अब सीधा अंदर जाते हैं तो गोरखपुर है 17 किलोमीटर और यहाँ आसपास और कुछ नहीं है। मेरे ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है ये ब्रिज सीधा जाता है नेपाल की तरफ। तो मैं बस आज रात इनके साथ ही टेंट लगा के सोने वाला हूँ इनके पास में पीछे, और ये पूरी रात दुकान चालू रखेंगे, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। बस थोड़ी देर इनके साथ बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, फिर मैं सो जाऊँगा और ये अपनी दुकान चलाते रहेंगे। इनका एक भाई है वो मेरे साथ पास में सो जाएंगे, फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे पीछे की तरफ। और आगे का जो कार्यक्रम बनेगा, सुबह इनके पास से जब निकलेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊँगा। इंदौर से यहाँ तक 1000 किलोमीटर का जो मैंने सफ़र किया, 32 घंटे समथिंग लगे, और वो सब भाई साहब थे ड्राइवर, उन्होंने मुझे खाने का भी पैसा देने नहीं दिया। फिर लास्ट में मैंने कैसे भी करके एक टाइम का मैंने दिया, लेकिन बहुत ही बढ़िया इंसान थे और बहुत अच्छा लगा। अब ये भाई साहब हैं हमारे अभिषेक भाई, इनके साथ बैठते हैं और बातें करते हुए इधर ही सोते हैं। आज की नाइट पता नहीं यहीं लिखी थी अपनी, तो यहाँ आके रुक गए। बीच में मैंने जगह ढूंढी पर कोई मिली नहीं, बस यही जगह लिखी थी तो बस यहीं पर आ गए। ठीक है अभिषेक भाई, हम आज बातें करेंगे और फिर चलते हैं, कल की कल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी मैं आपको सो रहा हूँ और टाइम हो गया है 10:40। पता नहीं यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जाम हुआ या पता नहीं हॉर्न बजा रहे, बिल्कुल रोड से 20-30 मीटर की दूरी पे हूँ मैं। तो मेरे बीच में एक ब्रिज का पिलर है और उसके और मैं दूसरी साइड के बीच में हूँ। तो वैसे लाइटिंग वाइटिंग मेरे पे नहीं हो रही है क्योंकि मैं तो पैक हूँ पूरा अंदर की तरफ, और लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। 7:30 बज रहे और मैं जग गया भाई साहब, और बहुत ही शानदार नींद आई, मज़ा आ गया। अभी मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ पे सो रहा था, और ये सब सामान है इधर उधर। तो अब चलते हैं बाहर, बाहर से आपको माहौल दिखाते हैं कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं और बाहर लोग हैं ये क्या मामला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मज़ा आ गया सोने के लिए और कुछ नहीं। बस 11 बजे सो गया था, ये देखो भाई इधर सो रहे थे हम लोग। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा हम जग गए हैं, सुबह के 8 बज गए हैं, रात को 11 बजे सो गए थे, 11-12 बजे। और उधर हमारा पीछे वो टेंट दिख रहा है आपको वहाँ पे उस पिलर के पास में, और इधर है भाई साहब की दुकान अभिषेक भाई की, और एक ये भाई साहब, दोनों भाई है सगे, और एक छोटा भाई है वो घर चला गया, और हम अभी यहाँ पे हाथ गरम कर रहे हैं। अब हम आए थे इस तरफ से, ये साइड से, इस तरफ है आपका लखनऊ और इस तरफ है आपका गोरखपुर, हमें जाना इस तरफ। ये जो ऊपर ब्रिज है यहाँ से यूँ जाएंगे, और
तो बस अभी चाय वाय पियेंगे और थोड़ा फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। और ये भाई साहब का सबका थैंक यू बोलेंगे कि हमको जगह दिया यहाँ पे रुकने के लिए, और मैंने अपने आप को सेफ फील किया कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं और आराम से नींद आएगी, तो बस मैं यहीं रुक गया। अब चाय वाय पी के फिर आगे निकलते हैं, जैसे निकलेंगे तब आपको बताएंगे। अभी तो टेंट ही समेटा नहीं, वहीं पड़ा है, ऐसी बात है। ओके भाई साहब, फिलहाल ये पोजीशन है और इस तरफ सीधा जाओगे तो बिहार आएगा, इस तरफ गोरखपुर है, इस तरफ लखनऊ है, ऊपर ये ब्रिज है और हम लोग इधर हैं। अभी हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चलते हैं आगे, लेट्स गो। चलो भाई, अब वक्त आ गया है चलने का आगे की तरफ, और यहाँ से विदाई लेते हैं, उनको बोल देते थैंक यू। चलो अभिषेक भाई, थैंक यू। ओके भाई, मिल के अच्छा लगा। आप भी आओ, कभी फंस जाओ तो यहाँ ब्रिज के नीचे रुक सकते हैं इनके पास। बाय, लेट्स गो, हम बढ़ते आगे और अब ब्रिज के ऊपर चलते हैं। दो दिन से कुछ वज़न उठाया नहीं, आज वज़न कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और मैं उस ब्रिज के नीचे पहले सो रहा था, मतलब वहीं कैंपिंग किया था, और अब चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, देखते हैं फिर कोई लिफ्ट मिलती है क्या होता है, आगे चल के बताते हैं यार। पैदल पैदल कोई बिठा दिया तो बैठ गए, नहीं तो कोई नहीं। तीस तो ये मिल गए भाई साहब, बोल रहे चाय पीने चलो, लेकिन अभी हम तो यार चाय पी के निकले वहीं गल्ले से। तो आपका बहुत थैंक यू। आपका नाम? अकरनाथ यादव। अच्छा, आपका गांव किधर है? बस बगल में। क्या बात करते, तो वो भाई साहब शायद आप जानते होंगे, वो गल्ले वाले में जानते हैं। उनके वहीं सोया था उनके पास ही रात को, उनको पूछना, मजा आ गई। चलो हम उधर से चढ़ा देंगे, फिर वो बद्री पकड़ा देंगे आपको। यार फिर मेरे को लेट हो जाएगा। नहीं लेट होगा, बैठिए तो। पक्का? पक्का बैठिए। तो भाई साहब अब इनकी इच्छा है कि आपको चाय पिला के ही छोड़ूंगा, बैठिए बैठिए। तो चलते हैं यार इनके साथ थोड़ा। महाकाल का चाय पीजिए, अभी देखिए कितना बढ़िया कुल्हड़ चाय पिलाते हैं। अच्छा देखो भाई, दिल बड़ा है भाई, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, मैं आपको भी बोलता हूँ कि जिधर भी गया हूँ, रिक्शा ट्रक बाइक जो भी भाई साहब मिले, सबके दिल बड़े होते हैं, सच में मैं कहता हूँ। कहाँ फंस गया? मेरे को पापी इस तरफ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यो वाले जो ट्रक आएंगे वो ही बिठाएंगे मेरे को। वापिस उसी गल्ले पे आ गया हूँ, भाई साहब मिल गए। नेपाल यही पैदल जाएगा, तुम्हें चाय पिला दियो। ये बोले चाय पिला था यार, मैं बोला ठीक है, मैंने बोला आपका, मैं बोला इनके पास पी के आया, लेकिन बोल रहे चलो और पिलाते हैं, उनको अच्छा लगे। बढ़िया ले जाए, बस इस तरफ चले जाएंगे, चढ़ा दे रहा पे चल जाइए माला का तरफ, पैदल जाते हैं हम। हाँ पैदल उधर से पैसा ना लगेगा। हाँ भाई साहब, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग बोलते हैं कि यूपी में लोग खराब है, बिहार में खराब है, एमपी में खराब है, पता नहीं क्या दिमाग खराब करते हैं यार। मुझे तो इतने अच्छे लोग मिल गए, कमाल हो गए यार, क्या बात करते हैं, सामने से मेरे को बोल रहे यार, मैं ना बोल रहा हूँ फिर भी। आइए ये लीजिए, यहाँ पे लाया महाकाल चाय, गुजरात से पैदल आ रहे हैं, नेपाल जाएंगे, मिल जाए महाकाल जी की चाय पी लिया। अब सीधा चलते हैं आगे की तरफ और अब जाएंगे इस तरफ ब्रिज के ऊपर, फिर से मुझे छोड़ देंगे। आप मुझे कहाँ पे रख दोगे? किस तरफ? उस तरफ पे, ब्रिज पे। हाँ ब्रिज पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी ये भाई साहब मुझे हाईवे पे बिठाएंगे और मतलब वहाँ पे छोड़ देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चाय पिलाया और इतनी सारी मनवार कर ली, ज़बरदस्त यार, इट्स अमेजिंग। चलिए भाई साहब, वो रिक्शा वाले भाई मुझे यहाँ पे उतार गए ब्रिज के ऊपर, अब मैं जाऊँगा उस तरफ सामने की तरफ, फिर यहाँ से नेपाल। ये नीचे है नदी, शाप्ती नदी जैसा यहाँ पे लिखा है, राप्ती नदी, और इस तरफ सीधा जाएंगे तो गोरखपुर आएगा, पीछे लखनऊ। चलते हैं आगे धीरे धीरे ब्रिज के उस तरफ। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी में चलती है साइकिल बहुत सारा, सब लोग साइकिल से यात्रा करते हैं। तो भाई सुबह सुबह थोड़ा चलते हैं और इस नदी के नज़ारों को देखते हुए
और फिर बाद में आगे से लिफ्ट मांगेंगे, लेकिन ये नज़ारा पहले देख लेते यार। यहाँ के लोग तो वैसे ही खूबसूरत हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे यार, आपको कैंपिंग करने में डर नहीं लगता? यहाँ कुछ लोग वीडियो में भी पूछते हैं यार कि आपको क्या डर नहीं लगता। भाई मुझे नहीं डर लगा यार कुछ भी, मैं इतना सेफ लगा खुद को, मज़ा आ गया यार, मैंने आराम से सो गया था। चलते आगे। तो ये भाई साहब ने रोका था, लेकिन वो थोड़ा ही आगे जा रहे, तो मैंने बोला चलिए आप जाइए सर, कोई और भाई साहब के साथ बैठेंगे। भाई साहब कल जब मैं ट्रक में यात्रा कर रहा था, कि मतलब यूपी में मुझे अभी पहली बार है, लेकिन जब ट्रक में आ रहा था और रात को इधर उतरा, उस कल के दिन में मुझे इधर लगा कि यार मुझे इतना भीड़ भाड़ दिख रहा है यूपी में, और मुझे शायद कोई बिठाएगा नहीं यहाँ, तो शायद कोई ट्रक में लिफ्ट देगा ही नहीं, बाइक में लिफ्ट देगा ही नहीं। लेकिन भाई यहाँ तो उल्टा ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है, मतलब लोग अपने आप ही पूछ रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है और ज़्यादा आसानी से मिल रही है यार, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं यार, बच्चे कहाँ से आए भाई साहब, ये ऐसा वैसा। चाचा जी राम राम। देखो भाई चाचा जी पंप ले जा रहे, कैसी गाड़ी है। और अभी हम 1 किलोमीटर चल गए, अब कोई लिफ्ट मांगते यार बहुत हो गया, अभी रोज़ 1 किलोमीटर चल जाने का सुबह सुबह। देखो भाई इधर लिखा है सोनाली 95, सिद्धार्थ नगर 79 और महाराजगंज 72। तो ये सिद्धार्थ नगर एक इसमें भी है, नेपाल में भी और एक इंडिया में भी है, क्योंकि दोनों आधा आधा हो गए इसलिए। तो हमें जाना है जो 95 वाला है उधर, तो 95 किलोमीटर और जाना 95। चले फिर देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए। इधर ये चाचा जी अभी जा रहे हैं, ये वाली गाड़ी हाँ, तो इनके साथ चलते हैं। वो सामने से ऑफर किए, बोले मेरे साथ आ जाओ, ये सब भाई साहब ने बुलाया। क्या नाम भाई साहब आपका? आपका नाम अंकुश। अंकुश भाई आपका? रिंकू। रिंकू भाई ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई इसको कौन सी सब्जी बोलते हैं? पुला। पुला पूरी, इसमें लहसुन का पूरा ऐसे ही डाल दिया जाता है, पत्ता नहीं निकालते है ना। अकेले हैं कब कौन बिनेगा कब कब। हाँ ये बात है। सही है। तो भाई साहब ये है पूरी सब्जी। गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की पहली लिफ्ट मिल गई हमको 50 किलोमीटर के लिए। मैं 1 किलोमीटर चल के यहीं पे पहुंचा था और सामने से अंकल जी ने बुला दिया, ट्रक इनका खाली है, चलते हैं अंदर बैठ के और 50 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। गांव का नाम मुझे नहीं पता, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। लेट्स गो। तो भाई साहब अब हम चलेंगे चाचा जी के साथ। चाचा जी आपका नाम क्या है? शराफत अली। शराफत अली। और आप कितने दूर से आए हैं आगे से? आगे यहाँ जो फैक्ट्री है। अच्छा गैलन। गैलन हाँ हाँ, ये सरिया की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से लोहा खाली करके आया, तभी ने सब जो सब गर्दा हुआ। हाँ हाँ पूरा पीछे वैसा भी है। और अभी आप 50 किलोमीटर तक लगभग चलोगे, कितना जाओगे? हाँ हाँ बराबर। तो हम चलेंगे बातें करते करते आगे की तरफ और फिर बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे बोर्ड लगा 95 किलोमीटर सोनाली है, सोनाली ये ला महाराजगंज 72। तो थैंक यू। तो भाई साहब ये यहाँ के हरे भरे खेत हैं और अभी यहाँ पे बहुत सारा धान है, सब बढ़िया से चल रहा है, पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और जब बारिश होती है ना तो ये पूरा भर जाता है, और ये सिर्फ रोड है ना वो एक खुली रहती है, बाकी पूरा पानी पानी हो जाता है। और लुम्बिनी इस तरफ जाते हुए पहला टोल प्लाजा आ गया है। वहाँ तक ट्रक जा सकती है? जाती है। अच्छा जाती है। ये जो होता है पोखरा। तो भाई गोरखपुर से हाईवे पकड़ने के बाद पहला सिटी आया है पीपीगंज। यही गोरखपुर से हाईवे जाएगी।
अच्छा ये वाली, अच्छा सीधा एकदम कहीं दाखना नहीं है। हाँ हाँ सीधा जाएगी। काफी शानदार मार्केट है इधर टिपीगंज वाला स्टेशन। हाँ रेलवे स्टेशन है इस तरफ। और ये है आपका पीपीगंज। हजूर बोलते हैं, हजूर 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 बोलने बड़ा कठिन होता है। जहाँ ये पत्थर होती है उसी इलाके के आप हैं। हाँ वो अपने इलाके के आप हैं। हमारी भाषा है, आपकी भाषा एक है। एक ही है, एक ही है, ठीक है ना। हाँ जी। फर्क ये है कि हम थोड़ा नेपाल बॉर्डर के किनारे हैं। हाँ आप उस साइड में। यस यस। चाचा काका। हाँ वो वाली बात है, चाचा जी हमें नेपाली सिखा रहे हैं। अच्छा हाँ कौन सा आ गया? कैंपियरगंज। कैंपियरगंज, कैंपियरगंज आ गए भाई अभी। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी हाईवे शानदार है भाई और रोड अच्छी है, लोग यहाँ पे भी अच्छे हैं। और ये देखो साइकिल की यहाँ पे भी मार्केट है। तो भाई साहब ये है कैंपियरगंज का बड़ा सा जंगल। और ये पेड़ कौन से है? ये सागवान और सेफ्टू का पेड़। सागवान के पेड़ है भाई, बहुत ही अंदर तक ये फैला हुआ जंगल है। और ये बंदर देखो, कैंपियरगंज के बाद तो क्या शानदार जगह आई है। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है और एकदम हरा भरा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सांगवान और सेगुआ के पेड़ है, इधर देखिए आप, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, शानदार है। और हम और अंकल जी बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं। आज के दिन में नेपाल में प्रवेश कर जाएंगे और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आज हाँ जी हाँ जी हाँ जी नेपाल में भोजन करिएगा, नेपाल में। और नेपाल अंकल जी जाते रहते तो उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दे दी, तो मेरे काम आएगी। और चलते हुए आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारे। तो हमें सीधा ही जाना है, उस तरफ महाराजगंज था, हमें इस तरफ जा रहे हैं आगे। ये महाराजगंज जिला है। अच्छा महाराजगंज जिला है। हाँ जी लिखा हुआ है, वो जिले के नाम पे लिखा हुआ है। अच्छा जिले के नाम पे लिखा है। हाँ ये कस्बा फरंदा है, फरंदा आजमनगर। सही है। ये डेमो वाली ट्रेन वहाँ जाएगी, नौतनवा? नहीं नौतनवा नहीं जाएगी, तो जाएगी गोंडा। गोंडा, अच्छा जी। नौतनवा वाली जाएगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। हाँ नेपाल की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ ट्रेन लाइन भी है। बाजार में चलते हुए यहाँ के लोगों के लिए कोथुल बने हुए कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं पैदल पैदल। तो भाई साहब हम, ये कौन सा गांव है? हरिंदा। हरिंदा में हम भाई साहब मिल गए, गाड़ी लेके जा रहे थे, बोले आ जाओ और लिफ्ट दिया, अभी बॉर्डर तक ले जाओ। बॉर्डर। और आपका नाम? सोनू। सोनू भाई थैंक यू। तो ये लास्ट जर्नी है इंडिया में, इसके बाद हम पहुँच जाएंगे नेपाल। चलो सोनू भाई के साथ, थैंक यू। देखिए आगे वाली सीट पे हम दो लोग बैठे हैं। क्या नाम आपका? मोनू। मोनू,
ओके, मोनू और सोनू दो भाई है, एक सीट पे दो लोग हैं। तो भाई साहब अभी कितना 7 किलोमीटर दूर, अभी बॉर्डर कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर है, और नौतनवा गांव आया अभी, उसके बाद आ जाएगा सोनौली, फिर बॉर्डर आ जाएगा।